Good morning, everyone. Today we are going to discuss a new topic of motion in straight line. That is a relative velocity. Relative velocity को हम पढ़ेंगे दो तरह से. एक तो पढ़ेंगे relative velocity in one dimension and फिर पढ़ेंगे relative velocity in two dimension. तो पहले हम बात करते हैं कि one dimension में relative velocity का क्या मतलब है. अब इसको समझते हैं, मैं एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका रोड है और इस पर एक आपका कोई, मान लेते हैं कि बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक. इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं सपोज 20 मीटर पर सेकंड है और ये रोड पर आगे जा रहा है. एक और बच्चा है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और सपोज ये जो है वो मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है. अब ये बच्चा सपोज ए है, इसका नाम सपोज बी है. अब ए वाले जो ये खड़ा हुआ है बच्चा एट ए पॉइंट पर, इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, सवाल ये होता है, ठीक. यानी कि ए वाले को बी की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी और बी वाले को ए की वेलोसिटी कितनी अपीयर होगी. ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है रिलेटिव वेलोसिटी के दायरे में. तो पहले कुछ हम समझते हैं कि इसमें करना क्या होगा. हम कुछ नोटेशन यूज करेंगे. सपोज जैसे वी ए बी, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. इसका जो नॉमिनेशन है वो क्या है कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, मतलब ए की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए जो है बी को क्या दिखाई देगी, ठीक. इसको कौन देख रहा होगा, बी देख रहा होगा. एज सपोज सीन बी, या एक काम करो आप इसको ऐसे समझिए कि ए की वेलोसिटी बी को क्या दिखाई देगी. तो इसमें देख कौन रहा है, बी आपका ऑब्जर्वर कहलाएगा, ठीक. ए को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कौन होगा, बी होगा, क्योंकि ए को बी ऑब्जर्व कर रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ ए, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, यानी कि बी को ए की जो वेलोसिटी है वो क्या अपीयर होगी, तो हमको ये देखना है. अब एक बात सोचिए, बी से आपका ए आगे जा रहा है, ठीक है, और बी आपका 10 से आगे जा रहा है. तो मुझे बताइए कि ए जो है बी को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा. तो जो वेलोसिटी है ए की बी के रेस्पेक्ट में, इसको आप निकालोगे वी ए माइनस वी बी से. जैसे अब देखिए वी ए कितनी है, 20, ए की क्या है 10, तो क्या बचेगी आपकी ये 10 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब ये हुआ यदि आपका ए रुक जाता है तो सॉरी बी आपका रुक जाता है, बी जो आपका इस समय ऑब्जर्वर है, बी आपका रुक जाता है, तो बी को ए जो है वो 10 की स्पीड से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक. ये जो वेलोसिटी है आपकी वो रिलेटिव वेलोसिटी कही जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. ए की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 10 होगी, यानी कि बी को ए 10 की स्पीड से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा. तो हम कहेंगे कि ए की जो वेलोसिटी है बी के रेस्पेक्ट में कितनी है, 10 की है, और 10 आपको प्लस मिला है. तो हम एक बात नोट कर लेते हैं, ये जो वेलोसिटी आपकी है हम ले रहे हैं प्लस में, और इधर को अगर आई तो हम लेंगे उसको माइनस में, ठीक. तो अब मैं आपसे कहूं कि मान लो मेरा कि ए ऑब्जर्वर है और ये बी को ऑब्जर्व कर रहा है, अब आपका बी ऑब्जर्वर नहीं है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे सिंबल वी बी ए. इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि वी ए बी एक बात और है, ये आपको वेक्टर में होता है, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. बी की पता करनी है ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि ए आपका इस समय आपका ऑब्जर्वर है, बी आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो इसकी जो निकल कर की आएगी वेलोसिटी वो बी बी माइनस वी ए निकल के आएगी. तो वी बी क्या है, इस समय वी बी आपका आगे जा रहा है, तो इट इज प्लस 10 माइनस
ए भी आपका आगे जा रहा है और ए की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 20 है, तो 20 यहाँ पर लिखेंगे आप, इट इज और -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर ए को बी जो है 10 की वेलोसिटी से अपनी ओर आता हुआ एपियर होगा। ये तो इसकी वेलोसिटी थी, ठीक। अब मैंने बात की है, यदि आपका ऑब्जर्वर ए है, इसको इसकी वेलोसिटी क्या एपियर होगी, तो लिखेंगे क्या VBA, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये आपको मिल गया -10। इसका मतलब ये हुआ कि ए को बी जो है वो 10 की स्पीड से या वेलोसिटी से अपनी ओर आता हुआ एपियर होगा, ठीक। तो VBA क्या है, VAB क्या है, आपको सिंबल को समझना है। VAB का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, VBA का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जो बाद वाला है वो आपका होता है ऑब्जर्वर। तो ये आपका -10 आया, माइनस का मतलब क्या है, ये इधर जा रहा होगा, ए को बी एपियर होगा इधर आता हुआ, एक्चुअल में वो आगे जा रहा है, लेकिन इसको क्या करेगा, ए को लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बी आपका जो है बॉय खड़ा हुआ है, वो 10 की वेलोसिटी से इसकी ओर आ रहा होगा, ठीक। ये कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब एक बात और इसमें है, ये जो आपने लिया है वी ए और वी बी, ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस इसके बारे में करते हैं कि ये क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा है सपोज वी ए बी, इसका मतलब होगा वी ए माइनस वी बी, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये जो होगा वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है, यानी कि ये जो दोनों खड़े हैं वो कहाँ खड़े हैं, वो ग्राउंड पर खड़े हैं, ठीक। तो वी ए बी का मतलब है वी ए माइनस वी बी। अब ये जो है वी ए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। अब ये क्या है, इट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपको याद रखना है कि जिस जगह पर आपको दोनों खड़े हुए हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको दिया जाता है, आप उसको यूज करते हैं। अब इसी बेस पर आप वी बी ए को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, बट ये आपका होगा ए जी और बी जी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। अब इसका इस्तेमाल करके निकालेंगे वी ए बी और वी बी ए। अगर आपका वेलोसिटी नेगेटिव आती है तो ये सॉल्व करने के बाद इसका मतलब ये है कि वो आपका इधर को जा रहा होगा, नेगेटिव आती है तो, अगर पॉजिटिव आती है तो वो हमको आगे जाता हुआ एपियर होगा। तो प्लस और माइनस का भी आपको ध्यान रखना है, यदि रिलेटिव वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आती है इसका मतलब क्या है कि वो उल्टा चल रहा होगा, प्लस की आती है तो वो आपका आगे जाता हुआ आपको एपियर होगा, ठीक। अब हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, फिर आपको इसकी ट्रिक पता ही जाएगी कि इसको डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये कोई आपका रोड हो गया, सपोज इट इज योर ग्राउंड, यहां पर एक कार है, सपोज इट इज योर कार ए, ये आपकी कार सपोज बी है, इधर जा रही है ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, इधर आ रही है मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अब दोनों ही ग्राउंड पे चल रही है, ठीक। तो ये आपको जो दिया गया है 20 और 5, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कितनी दी हुई है आपको, ये 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपको दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको मैं पूछता हूं कि वी ए बी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसमें आपका बी ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, और ये ए और बी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक। तो वी ए जी आपको दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड,
माइनस वी डी जी किधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। तो मैंने बताया था आपको ये वाली आप लेंगे प्लस में, ये वाली आप लेंगे माइनस में, तो इसको आप माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक माइनस तो आपका यही वाला आएगा माइनस वी बी जी का मतलब माइनस फाइव, कितना हो जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि यदि आपका एक ही पता करनी है आपको, बी आपका क्या है ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यदि आप रेस्ट में मान लें तो बी को ए जो है 25 की वेलोसिटी से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि 25 ठीक है। तो ये क्या होगा, बी को लगेगा कि आपका जो ए है वो इसको अप्रोच कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब मैं यही क्वेश्चन आपसे कहूं कि वी बी ए क्या होगी, तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब वी बी जी माइनस बी ए जी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी बी जी क्या है, वी बी जी आपका है माइनस फाइव माइनस वी ए जी, वी ए जी आपका है 20, वो कैसा है प्लस का 20 है, इट इज योर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 50 मीटर पर सेकंड, तो प्लस का आ रहा है। यानी कि ए को बी जो है 15 की स्पीड से आगे जाता हुआ अपीयर होगा। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसमें ए आपका ऑब्जर्वर है, तो वी बी जी माइनस वी ए जी, तो बी जी क्या है आपका माइनस फाइव माइनस सॉरी इट इज माइनस फाइव माइनस 20 इट इज माइनस 25 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए को जो बी है वो माइनस 25 मीटर पर सेकंड आ रही है, इसका मतलब इट इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। यदि बी को आपका ए ऑब्जर्व कर रहा है, इसको लगेगा कि ये 25 की वेलोसिटी से पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका है रिलेटिव वेलोसिटी का, जब आपके दो ऑब्जेक्ट चल रहे हो, चाहे दोनों आगे चल रहे हो चाहे दोनों को पीछे चल रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि ये जो नोटेशन है इसका मतलब क्या है, वी ए बी का मतलब क्या है और वी बी ए का मतलब क्या है। इसमें आप दोनों को जो लगाएंगे इस वेलोसिटीज को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको लगानी है, तब आप निकाल पाएंगे, ठीक। यदि हम एक केस और लेकर देखते हैं जिसमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हम नहीं करेंगे, ठीक, तो इसको आप जब तक नोट करिए। अब जैसे हम एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, यहां पर एक खड़ा हुआ है कोई, मान लो कि बच्चा खड़ा हुआ है आपका पॉइंट ए पर, इसका नाम ए है। यहां पर सपोज कोई एक ट्रॉली चल रही है, जो है ट्रॉली, इस पर एक ऑब्जेक्ट है या कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, ठीक, इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ट्रॉली आपकी आगे जा रही है मान लो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ये बच्चा जो है वो आगे जा रहा है मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसका नाम ए है, इसका नाम ट्रॉली है, इसका नाम बी है और ये आपका ग्राउंड है, ठीक। इसमें आपको तीनों चीजें जो है वो अलग अलग वेलोसिटी से चल रही है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक। जो आपका ए है वो आगे जा रहा है, जो बी है वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है 2 की स्पीड से वेलोसिटी से, जो ट्रॉली है वो आपकी 20 की वेलोसिटी से आगे जा रही है, और ये पूरा सिस्टम आपका कहां पर है, ग्राउंड पर है। तो सबसे पहले काम करिए आप, जो आपको दिया हुआ है गिवन डेटा उसको नोट कर लीजिए। जैसे ये है वी ए जी कितना है, इट इज 10 मीटर सॉरी इट इज योर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब वी बी टी इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब वी टी जी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड, इसको आप माइनस में लिख सकते हैं क्योंकि वो पीछे जा रहा है, ठीक।
अब आपसे कहा जा रहा है कि आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए क्या होगी, ये आपकी क्या होगी। तो वी ए बी, इसका मतलब आपने पढ़ा है कि इसका मतलब है वी ए माइनस वी बी या वी ए जी माइनस वी बी जी। अब वी ए जी आपको पता है कितना है, प्लस फाइव, इट इज प्लस फाइव माइनस वी बी जी। आपको बी की जी के रिस्पेक्ट में पता नहीं है, तो अब आपका जो टारगेट है वो यही है, जब तक आप इसको नहीं पता कर पाओगे, जब तक आप इसको नहीं लिख सकते, वी ए बी को नहीं लिख सकते। तो पहले पता करते हैं हम वी बी जी क्या है। तो वी बी जी का मतलब हो जाएगा वी बी माइनस, आपको क्या पता है, आपको ये पता है बी और टी के लिए, ठीक। तो इसमें काम करते हैं, पहले आपको पता है वी बी टी, वी बी टी इसका मतलब वी बी जी माइनस वी बी टी हो जाएगा, वी बी टी है ये आपका हो जाएगा, इतना मैंने लिख दिया है वी बी जी माइनस वी टी जी, आपको ये हो जाएगा, ठीक। VBT, ये जो आपका डेटा है VBT, इसको लिख सकते हो VBT is equal to VBG minus VTG। तो VBT का मतलब है आपके पास माइनस टू VBG, आपको ये पता करना है, ठीक। माइनस VTG, VTG आपको दे रखा है 20, कैसा है, प्लस का है, प्लस का है तो कोई बात नहीं, इसको धन ले आइए यहाँ, इट इज प्लस 18 मीटर पर सेकेंड वी बी जी। तो वी बी जी आपको मिल गया है प्लस 18, इसको उठा करके आप यहां पर दीजिए, तो वी ए बी इजिकल टू 5 माइनस, ये आपको प्लस 18 है, 18 तो माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ए को देख रहा है बी, बी इसमें आपका ऑब्जर्वर है, बी को ए की जो वेलोसिटी है वो माइनस 30 मीटर पर सेकेंड अपीयर होगी। इसका मतलब कि बी आपको, आपका जो ए है वो जाते हुए दिखाई देगा पीछे की तरफ, ठीक है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी को ए जो है 13 की स्पीड से पीछे की तरफ जाता हुआ अपीयर होगा। तो ये मैंने बात की थी यहां पर वी ए बी की। जब आपके तीन सिस्टम हो, एक ये भी ऑब्जर्वर है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, पर इस तरह का आपको दे रखा हो, एक आपका ऑब्जेक्ट दूसरे पर चल रहा हो और वो भी अलग स्पीड से आगे जा रहा हो, कोई पीछे आ रहा हो, तो उसको आप कैसे कैसे करेंगे, ठीक। अब यहां पर तो ये मैंने मान लिया था कि पीछे आ रहा है, ठीक। अब सपोज मैं इसको, सपोज जो बी है आपका, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो अब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी, इस बार हम पता करते हैं वी बी ए, ठीक, इस बार हम पता करेंगे वी बी ए। तो फिर पहले वही काम करना पड़ेगा आपको, जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, जैसे वी ए जी आपको दिया है 5, और वी ये आपका है मान लो टी है, ये बी है, वी बी टी ये आपको दे रखा है प्लस 3, और वी टी जी आपको दे रखा है प्लस 20, और हमको इसे पता लगाना है सपोज वी बी ए, यानी कि बी की वेलोसिटी को देख रहा है ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका जो सिंबल होगा डेट इज वी बी जी माइनस वी ए जी। अब इसमें पता आपको क्या क्या है, वी बी जी पता है, नहीं पता, वी ए जी पता है, पता है 5, तो वी बी जी आपको नहीं पता, ये पता है 5, तो अब आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 1, ये आपको हो जाएगा वी बी ए। अब पता करेंगे आप पहले वी बी जी क्या होगी, इसके लिए अब जाएंगे इसके पास, ठीक। तो वी बी टी, वी बी टी इक्वल टू हो जाएगा वी बी जी माइनस वी बी जी,
अब वी बी थ्री की वैल्यू अभी पास है प्लस थ्री, वेरी गुड। वी बी जी आपको नहीं पता है, हटाइए। वी टी जी ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के एस्पेक्ट में कितनी है आपके पास, प्लस 20, 20 इधर ले आओ इसको, ये 23 इज इक्वल टू वी बी जी। तो वी बी जी आपको मिल जाता है 23, इसको उठा के रख दीजिए यहां पर, तो आपको ये मिलेगा वी बी ए इज इक्वल टू 23 माइनस 5 दैट इज 18 मीटर पर सेकंड, प्लस का है, यानी कि ए को बी जो है वो 18 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जाता हुआ अपीयर होगा। ठीक, तो सारा केस में प्लस और माइनस का भी है, प्लस का मतलब है कि वो आपका आगे जा रहा होगा, माइनस का मतलब है पीछे जा रहा होगा। तो जब आपके पास तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट चल रहे हो तो आप क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यदि मान लो मैं आपका जो ए है इसको भी किसी एक और ट्रॉली पर खड़ा कर देता हूं, तो इस केस में आप किस तरह से ट्रीट करेंगे क्वेश्चन को वो देखते हैं। 2D में थोड़ा सा और ये अच्छा हो जाता है क्वेश्चन, 1D में थोड़ा सा भी आसान है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक ग्राउंड है, ठीक, इस पे कोई एक ट्रॉली ए है, ट्रॉली ये इसका नाम मान लेते हैं ए, इसका नाम मान लेते हैं बी, ये दो कार आप एज्यूम कर सकते हो कि ये कार है दो, चलो। अब इसके ऊपर छत पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ये इसका नाम है मान लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम डी है। ये आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये आपका आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये आगे इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से, ये आपका आगे जा रहा है मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो अब मान लो तुमसे मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, ये बताइए, यानी कि सी की जो वेलोसिटी है वो वी के अंदर कोई बैठा हुआ है, मान लो ये कोई बैठा हुआ सज्जन, इसको सी की जो वेलोसिटी है वो क्या अपीयर होगी, अब आपको ये बताना है। वी सी बी, सी आपका ऑब्जेक्ट है, बी आपका इसमें ऑब्जर्वर है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहला काम आप गिविंग डेटा को लिखेंगे जो आपको दे रखा है, ठीक, ये आपका क्या है, इट इज योर ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इज प्लस 2, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10, velocity of D with respect to B is minus 3। ये आपके हो गए given data। अब आपको पता लगाना है CB, तो VCB का मतलब हो जाएगा VCG minus VBG। आपको VCG पता है? नहीं पता है, ठीक। आपको VBG पता है? पता है। कितना है? 10। आपको ये पता है 10, वी सी जी आपको नहीं पता है, ठीक। तो पहले आपको वी सी जी ही पता लगाना पड़ेगा, तब इसको आप पता कर पाएंगे। अब वी सी जी आपका कहां से आएगा ढूंढते इसमें, चलो आपका वी सी जी ये हो जाएगा वी बी जी, पता है यूज कर लिया मैंने, वी डी का तो एकदम यहां से मिलेगा, ठीक है। सी कहां पे आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है, तो आप वी सी ए को उठा लें, इसको मान लो 1, सी आपका केवल इसी में आ रहा है ना, तो सी यहां से मिलेगा आपको, ये है आपका वी सी ए इक्वल टू वी सी जी माइनस वी ए जी। तो वी सी ए इज प्लस 2, वी सी जी, वी सी जी आपको नहीं पता है बताइए, चलो वी सी जी माइनस वी ए जी इज प्लस 20, इधर ले आओ उसको 22 इक्वल टू वी सी जी, ठीक, इसको उठा करके आप ठाक दो, तो क्या मिलेगा आपको वी सी बी इक्वल टू इट इज 22 माइनस 10, 12 मीटर पर सेकंड, कैसा है, प्लस का है, तो कहां जा रहा होगा आगे की तरफ, तो वो मूव कर रहा होगा, ठीक।
ही आपको मिल जाएगा वी सी बी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, और आपको यही पता लगाना था। ठीक, अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि सी को बी किधर को जाता हुआ एपियर होगा और किस वेलोसिटी से जाता हुआ एपियर होगा। तो अब आपका टारगेट है इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी। चलो डी जो है इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, अब सी आपका ऑब्जर्वर है, तो सी को डी किस स्पीड से किधर जाता हुआ एपियर होगा ये आपको पता लगाना है। तो इसमें डेटा तो आपका वही रहेगा जो आपने लिख दिया है पहले, हम इसी डेटा को यूज कर लेंगे इसमें, ये आपको पता लगाना है। वी ए जी आपका वही है 20, ठीक 20 है ये, वी सी ए सी ए प्लस 2, वी डी बी आपका माइनस 3, और वी बी जी आपका हो जाएगा प्लस 10। ठीक, आपको पता लगाना है वी डी सी, वी डी सी देन वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू सी, तो वी डी जी माइनस वी सी जी हम पता लगाएंगे वी डी सी देन वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू सी। तो वी डी सी को मैं लिख सकता हूं वी डी जी माइनस वी सी जी। अब इसमें आपको वी डी जी और वी सी जी दोनों आपको पता होने चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे इनको पहले निकालेंगे। ठीक, तो डी आपको देखिए इसमें किसमें आ रहा है, तो डी आपको मिलेगा इस वाले में, तो इसका यूज करेंगे वी डी बी का। तो वी डी बी का मतलब हो जाएगा वी डी जी माइनस वी बी जी। ठीक, तो वी डी बी की वैल्यू क्या है आपके पास, इट इज माइनस 3, और वी डी जी की वैल्यू आपको निकालनी है तो वी डी जी माइनस वी बी जी की वैल्यू आपके पास प्लस 10 है, 10 इधर ले आओ उसको, ये हो जाएगा आपका 7 इक्वल टू वी डी जी। ठीक, वी डी जी मिल गया आपको 7, तो ये आपको मिल गया है 7। ठीक, यहां पुट कर देंगे इसको। अब हम निकालेंगे वी सी जी, सी कहां है, सी यहां पर है। ठीक, तो वी सी ए इक्वल टू वी सी जी माइनस वी ए जी, तो वी सी ए की जो है आपके पास दैट इज प्लस 2, और वी सी जी आपको मिलेगा यहां से, वी ए जी आपको पता है प्लस 20, इसको धर ले आइए तो 22 इक्वल टू वी सी जी, और वी सी जी मिलेगा 22, इसको उठा रख दीजिए यहां पर, तो ये आपको मिलेगा कितना है 22, तो 7 माइनस 22 इज माइनस 15, यानी कि सी को डी जो है वो 15 की स्पीड से आप पीछे की तरफ जाता हुआ एपियर होगा, यानी कि सी डी की जो वेलोसिटी है वो सी के रेस्पेक्ट में माइनस 15 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी को जो डी है वो 15 की स्पीड से पीछे की तरफ आता हुआ एपियर होगा। तो ये चार केस थे। ठीक है, तो अभी हमने रिलेटिव के जो क्वेश्चन देखे थे वो सारे के सारे 1D में थे, और यहाँ पर हमने जो केस लिए हैं वो 3-4 केस दे गए हैं, वो केस कौन कौन से थे मैं फटाफट से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। वो केस नंबर 1 ये था कि आपके जो दोनों ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट ए और बी, वो दोनों के दोनों ग्राउंड पर थे। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक किसी ट्रॉली में चला था बच्चा इसके ऊपर, इसमें कैसे करेंगे आप, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको भी एक ट्रॉली के ऊपर खड़ा कर दिया, तो 4 केस थे आपके। लेकिन ध्यान रखना होगा आपको जो नाम आप दे रहे हो ए बी सी डी, अब बी बी जो है बी की जो स्पीड होगी वो आपको निकालनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी ए के रेस्पेक्ट में, बी की जो होगी वो लिखनी पड़ेगी आपको सी के रेस्पेक्ट में। ठीक, बाकी आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि कैसे कौन सॉल्व करनी है, आप देखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।